नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर 2000 के नोट की हुई बंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि 2000 के नोट का चिप का क्या हुआ, उस सैटेलाइट का क्या हुआ जिससे उस नोट का सिग्नल जाता था। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग को बताए कि तानाशाही से देश चलेगा या समझदारी से किससे देश चलेगा। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, देखिए इस वीडियो में। कि भैया 2000 नोट के चिप का क्या हुआ, उसे सैटेलाइट का क्या हुआ जिसमें सिग्नल जाता था, क्या वो चिप फिर से 2000 इसीलिए ले लिया गया कि चिप को फिर से रिहैबिलिटेशन किया जाए, चिप में चीजें खत्म हो गई। पहले तो आप ये बता दीजिए, हम ये जानना चाहेंगे 2000 नोट के चिप लगी थी उसका करना भी क्या है, ये भी आप बता दीजिए। निकाल गोदी मीडिया जिस चीज को मालिक को दे देना है या अपने पास रखना है ये वो बता दे। दूसरी चीज, क्या घर में अनाज से लेकर तसला बैलन पर्दा टेबल कुर्सी पुराने सारे कपड़े हम लोग वापस कर दे कि रखे, ये भी आप हमको बता दीजिए। इसको भी गोदी मीडिया बोलेंगे कि मास्टर स्टॉक है। अब हम दो तीन बात आपसे जानना चाहेंगे और बहुत विनम्रता के साथ, कि क्या मोदी जी तानाशाही से देश चलेगा कि समझदारी और ईमानदारी से, किससे देश चलेगा? क्या मोदी जी आपको आप किसी चीजों पर भरोसा नहीं रही, न राम पर न कृष्ण पर न शिव पर न नानक पर न बुद्ध पर न कबीर पर न दुनिया के किसी संस्कृति पर न विज्ञान पर न अध्यात्म पर, अब किसके सहारे आप दुनिया में? आप हमेशा जो बात करते हैं हमेशा बचकना बात, इसीलिए दुनिया कहती है कि देश का पीएम सीएम और देश चलाने वाला व्यक्ति कम से कम जीनियस हो, दूसरों का ना सुने, दूसरों की बातों में ना आए, अपने देश के अंतिम व्यक्ति को देख करके चलाने की बात करें, बहुत क्लियर है। और इसमें बार बार ये कहना, ये सबसे ज्यादा वार किस पर है? जिसने मोदी जी को सबसे ज्यादा, अब ये वार जो गडकरी जी पर भी है, ये वार जोगी जी पर भी है, मोदी जी के लिए जो जो थ्रेट है, अब इंटरनल हो या एक्सटर्नल, अब सितंबर तक इन्होंने दिया है कि इसको जमा करिए, और सितंबर के बाद अक्टूबर में चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगा 3 स्टेट का। ये आप पूरी दुनिया को, अगले बार भी चुनाव आप 16 में 19 में चुनाव था और इस बार भी आप 25 में चुनाव है विधानसभा की 24 में, और आप अभी नाटक कर दिए। तो क्या देश इस तरह चलता है? देश क्या मदारियों से चलेगा? देश बाजीगरी से चलेगा? देश आम आदमी की जिंदगी कैसे बचेगी उससे चलेगा? क्या हुआ जाली नोट इक्वल हो गया? क्या हुआ काला धन वापस कब आएगा? आतंकवादी गतिविधि क्यों बढ़ गई? और भ्रष्टाचार दुनिया के प्रचंड पर क्यों चला गया? नोटबंदी के बाद महंगाई इस देश की जिंदगी को नासूर क्यों बना दिया? नोटबंदी के बाद इस देश की बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ गई? नोटबंदी के बाद गरीबी इस देश की दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ गई? नोटबंदी के बाद इस देश में आप अपने कितने मित्रों को दुनिया का सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया? नोटबंदी जब 2016 में आपने की थी तो उस वक्त गुप्त एजेंडा बिल्कुल था कि आपको सत्ता में एन के प्रकार आना है, पहले से आपने साजिश रची। और बिल गेट्स के कहने पर, बिल गेट्स क्यों, बिल गेट्स इस बार भी ये बिल गेट्स के कहने पर 2000 लाया। बिल गेट्स चाहता है कंप्लीट हर चीजों को डिजिटल कर देना दुनिया में, ताकि उस इन बाहर के लोगों को भारत की एक एक चीज कब्जा में करके रखने का उनका जो प्लान है डिजिटल मीडिया का डिजिटल, वो बिल गेट्स उसमें पूरी साजिश उसमें रच ली। तब भी और अभी भी दो गुप्त एजेंडा था। एक गुप्त एजेंडा था कि भारत को डिजिटल करके वर्ल्ड के हाथों में दे दिया जाए और भारत की भूमिका खत्म कर दी जाए। दूसरा एजेंडा था कि एन के प्रकार नरेंद्र मोदी जी के पास सारा पैसा, उनके मित्र के पास सारा पैसा चला जाए और चुनाव में उनकी एजेंडा हो, दूसरी की कोई एजेंडा नहीं हो। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि 54,000 करोड़ रुपया जो गायब है वो कहां गायब है, आप बोलते क्यों नहीं? 54,000 करोड़ रुपया
दूसरी चीज 32,00,000 करोड़ रुपए 16 लाख तब था नोटबंदी के पहले, अभी 32 लाख के लगभग वो बढ़ा। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इनको 2,000 रुपया? जब आप 2,000 रुपया लाए, आप उस वक्त बार बार कहते थे, मैं गोदी मीडिया जो था वो बार बार चिल्लाता था, मास्टर स्टॉक। और अभी भी वो गोदी मीडिया मास्टर स्टॉक दोबारा चिल्लाने लगा। ना कुछ आता है गोदी मीडिया को, ना कुछ जानता है। और जिस तरीके से ये गोदी मीडिया के लोग हर झूठ फरेब उल्टा पुल्टा में मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए देखिए मैं मोदी जी को एक सलाह देना चाहूंगा।